हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें केंद्र सरकार के बारे में अपन पिछले वीडियो में पढ़ा था। केंद्र सरकार के बारे में पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था सरकार, सरकार के अंग, जिसने व्यवस्थापिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में और न्यायपालिका के बारे में एक सामान्य जानकारी ली थी। उसके बाद में व्यवस्थापिका के तीन अंगों के बारे में, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये व्यवस्थापिका के तीन अंग थे, इनके बारे में भी सामान्य जानकारी दी थी। और उसके बाद में अपन व्यवस्थापिका के जो दो प्रमुख सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था लोकसभा के गठन की प्रक्रिया, आज अपन आगे बढ़ते हैं लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में। लोकसभा के पदाधिकारी का हो या लोकसभा के पीठासीन अधिकारी का हो, एक ही बात है। लोकसभा के पदाधिकारी या पीठासीन अधिकारी दो होते हैं, एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है और एक लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये पीठासीन अधिकारी या पदाधिकारी होते हैं लोकसभा के, यानी हाउस ऑफ पीपल्स। लोकसभा इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की व्यवस्था की गई। अब देखो, लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कौन चुनते हैं, कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य स्वयं अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के समान होता है, यानी अगर लोकसभा समय से पहले भंग हो गई है तो इनका कार्यकाल पहले पूरा हो जाता है। अगर लोकसभा पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करती है तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होगा। समय से पूर्व भी इनको हटाया भी जा सकता है। लोकसभा के सदस्य साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं, लेकिन हटाने से पहले जिस के विरुद्ध ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध, किसी एक के विरुद्ध, तो उनको 14 दिन पहले सूचित करना पड़ता है, उसके बाद में इस प्रस्ताव पर मतदान करवाया जाता है। साधारण बहुमत यानी आधे से ज्यादा सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव पारित हो जाता है, ऐसी स्थिति में उनको पद से हटना होता है। लोकसभा अगर समय से पूर्व भंग हो गई है तो इनका कार्यकाल पहले पूरा हो जाता है, और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को समय से पूर्व से हटाया भी जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया जो भी मैंने बताई थी, यानी साधारण बहुमत और हटाने से 14 दिन पहले सदन में प्रस्ताव पेश करने से पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके अविश्वास प्रस्ताव हटाने की प्रक्रिया का जो प्रस्ताव लाया गया है उससे पहले उनको सूचित करना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपता है। ये तो हुई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात। अब देखो, हमेशा जो अध्यक्ष बनता है ना वो सत्ता पक्ष का बनता है, यानी केंद्र में लोकसभा में जिस दल के पास में बहुमत होता है वो दल ही अपना, यानी लोकसभा के अंदर अपना सभापति, सॉरी अध्यक्ष चुनता है। अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिड़ला। शुरुआत में सबसे पहले लोकसभा का जो गठन है वो 15 मई 1952 को हुआ था। उस समय गणेश वासुदेव मावलकर को लोकसभा अध्यक्ष बनाया था और वर्तमान में ओम बिड़ला है वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब अपन पढ़ेंगे इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य क्या है, अध्यक्ष क्या कार्य करता है लोकसभा के अंदर, और उपाध्यक्ष हमेशा ऐसी परंपरा रही है, ऐसा कोई नियम तो है नहीं विपक्ष का बनाया जाता। अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष अभी तक किसी को बनाया नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य में देखो, लोकसभा अध्यक्ष का पहला काम है कि वो लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। पहला कार्य है वो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना। आगे देखो, अध्यक्ष होने के नाते सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी किया जाता। अब देखो, लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते सदन में शांति व्यवस्था अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। अगर कोई भी लोकसभा सदस्य
सदन की गरिमा में व्यवहार नहीं करता है, गरिमा में व्यवहार सदन में नहीं करता है या अनुशासन में नहीं रहता है, शांति व्यवस्था को भंग करता है, तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को होता है, यानी उनको सदन से बाहर निकाल सकता है। ज्यादा ही उनका अगर व्यवहार है वो अनैतिक है तो उनको कुछ समय के लिए सदन से निलंबित कर सकता है, जो उचित समझे वो कार्रवाई वो कर सकता है। अगला देखो कार्य है, लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही, जो भी लोकसभा का कार्यवाही या कार्यक्रम है वो अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। जैसे किसी विषय पर जब कोई चर्चा चलती है, किसी लोकसभा सदस्य को बोलने का जो मौका जो टाइम दिया जा रहा है कितने मिनट बोलना है वो लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। वह सदन के नेता से, सदन यहाँ कौन सा, अपन चर्चा की सदन की कर रहे हैं, लोकसभा की कर रहे हैं, तो वह सदन के नेता यानी सदन का नेता कौन होता है, सदन या लोकसभा है और नेता लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, कौन होता है प्रधानमंत्री होता है, तो वह सदन के नेता से यानी वह प्रधानमंत्री से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। अब देखो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, इसलिए वो सदन का क्या है, नेता है, तो वो किसी विषय के संबंध में वाद विवाद के लिए जो समय है वो निश्चित करता है, सदन का कार्यवाही कब करनी है, कितना समय निर्धारित करना है, पूरी चर्चा करने के बाद में वो सदन में समय निश्चित वगैरह करता है। अगला काम है लोकसभा की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है, लोकसभा की कुछ समितियों का वो पदेन सभापति होता है और प्रवर समितियों के सभापति की नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और ये समितियां जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के दिशा निर्देशों अनुसार कार्य करती है। अगला कार्य, लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक का मतलब है धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिनको अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, यानी जैसे कर लगाना कर घटाना ऐसे वित्त से संबंधित जो विधेयक होता है, तो वो धन विधेयक है या नहीं इनको प्रमाणित कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, और धन विधेयक लोकसभा से पेश हो गया तो राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में लोकसभा जितना अधिकार नहीं है वो अधिकतम 14 दिन तक अपने पास में रोक सकती है, उनको अस्वीकार नहीं कर सकती या लोकसभा को वापस संशोधन करने के लिए नहीं भेज सकती। तो धन विधेयक कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ये निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला कार्य, संसद और राष्ट्रपति के बीच में ये कड़ी का काम करता है, यानी सारा पत्र व्यवहार है ना वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, तो ये तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य हो गए। अब लोकसभा सदस्यों की संख्या अपन ने पढ़ ली थी, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन पढ़ लिया था, लोकसभा के अधिवेशन के बारे में पढ़ लिया था, लोकसभा का कार्यकाल पढ़ लिया था, लोकसभा सदस्यों के लिए निर्धारित योग्यताएं अपन ने पढ़ ली थी और लोकसभा के पदाधिकारी पढ़ लिए थे, तो अब ये लोकसभा वाला टॉपिक होता अपना पूरा। अगला अपन लेते हैं राज्यसभा। हाँ तो अब देखो राज्यसभा की रचना या संगठन, राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया में देखो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है, इसके बारे में अपने पहले पढ़ा था, यानी संसद 79 राज्यसभा 80 लोकसभा 81 ये अपन ने पहले पढ़ा भी था। तो राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया अनुच्छेद 80 में है, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, यानी भारतीय संसद में जो दो सदन है इसमें उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन और वरिष्ठ सदन या राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन इत्यादि नामों से जाना जाता है। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार और शक्तियां प्राप्त है। अब यूं तो देखा जाए तो दोनों सदन अपनी अपनी जगह पर अपना अपना महत्व रखता है, लेकिन जब लोकसभा से राज्यसभा की तुलना करें तो लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त है। जैसे उदाहरण के रूप में पिछला धन विधेयक पढ़ा था, तो धन विधेयक में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्ति प्राप्त है, यानी धन विधेयक एक ऐसा विधेयक जो लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा से एक धन विधेयक पारित हो गया तो राज्यसभा उसको ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक अपने पास में रोक सकती है। तो इसलिए लोकसभा की तुलना जब राज्यसभा से करें तो कम शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त है। अब लोकसभा में बहुमत दल का नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो राज्यसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो इस प्रकार
लोकसभा से तुलना करें तो राज्यसभा के पास में शक्तियां कम है, तो भी उनका अपना अलग अपना महत्व है। अब देखो अपन राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सदस्य संख्या। ये अपने लोकसभा में भी इनके सदस्य संख्या, सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का कार्यकाल, पदाधिकारी, अधिवेशन वगैरह सब पढ़े थे ना, तो ठीक वो के वो पॉइंट है। सबसे पहले सदस्य संख्या और सदस्यों का निर्वाचन, यानी सदस्य कितने होते हैं और उनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, यानी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है 250 से 2026 तक के लिए, और वर्तमान में 245 सदस्य है। 245 सदस्य, इसमें भी दो प्रकार के सदस्य होते हैं, मनोनीत और निर्वाचित। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के, और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करते हैं जो किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र या खेल के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त होते हैं। ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और वर्तमान में 233 सदस्य है जो राज्य और संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आते हैं। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में प्रत्येक राज्य और संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। तो इसमें देखो सदस्य संख्या में देखो वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 सदस्य निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल इत्यादि के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में यानी अपने क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया, देश को कुछ विशेष योगदान दिया है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को किया था, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा था, यानी क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से माने जाते हैं, जिन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में भारत को एक नई उपलब्धि, एक प्रसिद्धि प्राप्त करवाई थी, जिनकी वजह से उनको राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। और कला जैसे फिल्म वगैरह ऐसे भी होते हैं, जैसे अभिनेत्री रेखा को भी किया था, ऐसे अनेक उदाहरण आप देख सकते हो। इनका जो चुनाव है वो साधारण चुनाव की तरह नहीं होता, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिनमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। यानी ऐसा नहीं कि राज्यसभा सदस्यों के लिए जितने जने चुनाव लड़ते हैं जिनको सबसे ज्यादा मत मिल जाता है वो निर्वाचित हो जाता है, ऐसा नहीं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है राज्यसभा सदस्यों के, यानी किसी भी राज्य से, उदाहरण के रूप में राजस्थान से ले लेते हैं एक या एक उदाहरण, राजस्थान में राज्यसभा के 10 सदस्य जीत करके जाते हैं। कितने? 10 सदस्य। 10 सदस्य जाते हैं, वो 4+4+2 इस अनुपात में जाते हैं। अब उदाहरण के रूप में राज्यसभा में जैसे इन सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का, और 6 साल का कार्य पूर्ण होने पर वो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनकी जगह नए सदस्य चुन करके आ जाते हैं। अब चुनने की जो प्रक्रिया है कैसे होती है, देखो कि मान लो ये 4 जने पहले गए, इनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, अब कितनी सीटें खाली हुई, 4 जनों की ये जो सीट खाली है, अब इनके चुनाव में कौन भाग लेंगे? राजस्थान का अपन ने उदाहरण लिया तो राजस्थान विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। राजस्थान विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। तो ये 200 जने इन 4 सदस्यों के चुनाव में भाग लेंगे। तो इनको राज्यसभा सदस्यों के न्यूनतम कोटा याद करने का एक सूत्र है कि कुल वैध मत बटा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या अंश और हर में प्लस 1 होता है। तो जैसे देखो न्यूनतम कोटा, न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है कुल वैध मत, कुल वैध मत का मतलब है वोट देने वाले जैसे उदाहरण के रूप में 200 जने, तो कुल 200 प्लस सूत्र कहता है ये निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या, कितने सीट पे चुनाव हो रहे हैं? 4। तो 4+1 सूत्र कहता है, तो अब इसमें देखो 200/5 4×5=20+1 लगा दिया, यानी 41 जने। जब 4 जनों को चुनाव होंगे तो उस समय
कम से कम 41 मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति राज्यसभा सदस्य होगा। अगर इन चारों में किसी को 41 मत प्राप्त नहीं होता तो फिर मान लो चुनाव मैदान में 8-10 जने खड़े हो जाते हैं। तो ये एकल संक्रमणीय अनुपाति पद्धति का मतलब होता है कि इस पद्धति के आधार पर जो भी राज्यसभा सदस्य के जो वोट होते हैं, वोट देने वाले जो विधायक होते हैं, उनको वरीयता क्रम के अनुसार वोट देना पड़ता है। जितने कैंडिडेट खड़े हैं ना, उनको प्राथमिकता के आधार पर वोट दिया जाता है। और फिर पहले चॉइस, पहली प्राथमिकता की मतगणना होती है। पहली मतगणना में अगर किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में दूसरी वरीयता की मतगणना की जाएगी। और दूसरी वरीयता की मतगणना करने से पहले 85 दौड़ में जो कैंडिडेट खड़े हैं उनको सबसे कम मत मिलने वालों को निकाल दिया जाता है, यानी जो सबसे नीचे कम मत प्राप्त करना उनको निकाल दिया जाता है। और उनके जो वोट है दूसरी वरीयता में मिलने वाले बचे हुए कैंडिडेटों में उनका जो अनुपात बनता है उस अनुपात में बांट दिया जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता। न्यूनतम कोटा प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो यह पद्धति एकल संक्रमणीय अनुपाति पद्धति के द्वारा, यानी अनुपाति पद्धति से इनका जो चुनाव होता है, अनुपाति प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है और विधानसभा सदस्य इनके चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने 4 सीट का दिया। अब मान लो 4 में ये गया तो 41 हो गया। जब 2 सदस्यों को चुना जाएगा तो यहां आ जाएगा 2। बस सूत्र वही, तो उस समय भाग 5 की जगह यहां भाग 3 आ जाएगा। 40 की जगह 66 जने होंगे, लगभग 66 होंगे, यानी 67 वोट प्राप्त करने होंगे। तो इस के द्वारा राज्यसभा सदस्यों के चुनाव इस पद्धति से निकाला जाता है। अब आगे देखो, तो ये तो हो गया मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा 12 और निर्वाचित सदस्य 233 जो संघीय और राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऐसे करके वर्तमान में कितने 245 है। अब अपन पढ़ते हैं सदस्यों की योग्यता, यानी योग्यता कौन, क्या योग्यता होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए। तो पहली योग्यता तो वही है, पहली क्या जो लोकसभा सदस्य की योग्यता थी वही योग्यता है। अंतर यह है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल। बाकी वही योग्यता, जैसे वो भारत का नागरिक हो उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए और संसद द्वारा जो शर्तें निर्धारित की जाती है उनकी पालना करने वाला होना चाहिए। तो ये तो होगी योग्यता। अगला है सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल, जैसे लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का था, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का और राज्यसभा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी 1/3 सदस्य कुल सदस्य का तीसरा हिस्सा प्रति 2 साल बाद में सेवानिवृत्त होते हैं। यानी सेवानिवृत्त होने का मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और पूरा होने के बाद में जिनका कार्यकाल पूरा हुआ है, जो सीटें खाली हुई है उस जगह से अलग अलग राज्यों से जो थे उनकी जगह अलग अलग राज्यों से वापस निर्वाचित होकर के नए प्रतिनिधि आ जाते हैं। एक बार चुनाव व्यक्ति भी दोबारा आ सकता है, तो सेवानिवृत्त होते हैं उनकी जगह नए सदस्य निर्वाचित होकर के आ जाते हैं। तो ये तो हो गया सदस्यों का कार्यकाल। अब है राज्यसभा के पदाधिकारी। जिस प्रकार लोकसभा के 2 पदाधिकारी थे उसी प्रकार राज्यसभा के भी 2 पदाधिकारी है, एक होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा के सभापति हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जब सभापति होते हैं तो सभापति का कार्यकाल हो गया 5 साल का और उपसभापति राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को बनाते हैं तो उपसभापति का कार्यकाल हो गया 6 साल का। क्यों? कि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य बनता है जबकि सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं बनता है। तो इस प्रकार ये राज्यसभा के पदाधिकारी और के मतलब पदाधिकारी में सभापति और उपसभापति हो गए और अभी उपसभापति हरिवंश है और सभापति है वेंकैया नायडू है। अब देखो
उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को देंगे, सभापति उपराष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति इस्तीफे किसको देते हैं, भारत की राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये तो हो गई राज्यसभा की कुछ प्रमुख बातें। अब देखो इस पार्ट में सात नंबर का प्रश्न बनता है, तो अपना चैप्टर दो के लिए हुआ, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, और एक लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति, इनका कार्यकाल और इनके अधिकार शक्तियां और कार्य भी हो गए। तो इसमें तीन प्रश्न बड़े बनते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति को समझाते हुए इनके कार्य और शक्तियों को बताइए, ये भी प्रश्न बड़ा बन सकता है, या लोकसभा के गठन की प्रक्रिया को बताइए, या राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया को बताइए। तो इस प्रकार गठन की प्रक्रिया में आपको सबसे पहले याद करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि आप पॉइंट बना लो, सदस्य संख्या, सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों का कार्यकाल, सदन के पदाधिकारी, इस प्रकार। और अधिवेशन की बात करें, जैसे इसमें अधिवेशन और लिख दो, जिस प्रकार संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और स्थगित किया जाता है, उसी प्रकार राज्यसभा भी संसद का ही सदन है, तो इनका अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और स्थगित भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी अनिश्चित काल के लिए जो सत्रावसान करना वो राष्ट्रपति करता है, और नियम शर्तें वही जो लोकसभा के लिए है, एक अधिवेशन के बीच में दूसरे अधिवेशन शुरू होने से पहले 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया अपना संसद के दोनों सदनों के बारे में। अब अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे संसद के कार्य, उसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, उनके अधिकार, उनकी शक्तियां। तब तक के लिए धन्यवाद।